हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सभ्या सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय लाइफ इज क्रिकेट। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं क्रिकेट से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है बॉलर से रिलेटेड, तो अगर आप भी एक बॉलर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑफ स्पिन कैसे कर सकते हैं ओनली इन थ्री स्टेप, मतलब कि थ्री स्टेप में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप ऑफ स्पिन कैसे कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है, 5 मिनट के अंदर ही मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक देखना। मैं आपको बताने वाला हूं तीन स्टेप में, जैसे कि पहला ये होगा कि ग्रिप कैसे करेंगे वो बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि रिलीज कैसे करना है वो बताने वाला हूं, और आपको सबसे बेस्ट लाइन लेंथ कौन सा होगा जिससे कि आपको विकेट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे वो बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है कि ऑफ स्पिन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रिप। तो ग्रिप किस टाइप से आपको पकड़ना है, तो बॉल आप देख सकते हैं ये वाला है, ये विंड बॉल है, तो इसी टाइप का लेदर बॉल भी होता है, तो आपको इस टाइप का सीम देखने को मिलता है, तो आपको सीम के ऊपर ही पकड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये दो फिंगर का आपको मदद लेना होगा, एक मिडिल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर, तो इस दोनों को आपको इस टाइप से पकड़ लेना है, आप देख सकते हैं इस टाइप से, और ये थंब भी आप रख सकते हो सिंपल इस टाइप से, आप देख सकते हो इस टाइप से आपका ग्रिप होगा। और मैं आपको ये चीज एक चीज सलाह दे देना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे पकड़ते हैं, तो इससे आपको टर्न मिलने का चांसेस होता है, तो आपको ये जितना आप बीच में गैप रख सकते हैं, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना गैप रखें इसके बीच में, इस दोनों फिंगर के बीच में, जिससे कि ज्यादा स्पिन मिले और इस ग्रिप को थोड़ा टाइट पकड़ें। अगर आप लूज पकड़ेंगे तो आपका स्पिन होने का चांसेस कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको इसे टाइट पकड़ना है और इस टाइप से बिल्कुल ग्रिप पकड़ना है। गाइस, अब बात आती है कि रिलीज किस टाइप से आपको करना है, तो रिलीज करने के लिए आपको बिल्कुल इसी टाइप से ग्रिप करना है, और आपको जब आप हाथ घुमाकर लाओगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इस टाइप से फ्लिक ऑफ रिस्ट करना है। इस टाइप से अगर आप रिस्ट को फ्लिक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको टर्न मिलने के चांसेस मिलेंगे, तो आप इस टाइप से आपको केवल और ऐसे आपको रिलीज करना इस स्टेप से फ्लिक ऑफ रिस्ट। इस स्टेप से अगर आप जितना जोर से फ्लिक करेंगे उतना ज्यादा टर्न होने के चांसेस क्रिएट होते हैं, तो आपको इस स्टेप से ही फ्लिक करना है जिससे कि टर्न ज्यादा ज्यादा होगा। अब बात आती है कि और कितना सबसे ज्यादा टर्न कैसे कर सकते हो बॉल को ऑफ स्पिन में, तो आपको ज्यादा ज्यादा बॉल को हवा देना होगा, मतलब कि फ्लाइटेड डिलीवरी डालनी होगी जिससे कि बॉल पड़कर ज्यादा ज्यादा स्पिन करेगी। और अगर आपको एकदम कम टर्न कराना है तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको फ्लाइट नहीं देना है बॉल को, एकदम स्ट्रेट फेंक देना है जिससे कि कम से कम बॉल टर्न करेगी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टर्न कैसे ज्यादा मिलेगा और कम कैसे मिलेगा। तो गाइस, अब बात आती है कि सबसे बेस्ट लाइन लेंथ क्या होगा ऑफ स्पिनर के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कोई भी डिलीवरी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यही बोलूंगा कि लेंथ होता है, तो लेंथ आपको कौन सा रखना ऑफ स्पिन में, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको गुड लेंथ पे रखना है जिससे कि बॉल को टाइम मिले टर्न होने का। अगर आप आगे डालोगे तो कोई बैट्समैन इजिली स्टेप आउट करके इजिली सिक्स जड़ देगा उस पिच पे बॉल के आके, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बॉल थोड़ा पीछे रखना है जिससे कि बॉल को टाइम मिले टर्न होने का और ज्यादा से ज्यादा हरकत करे बॉल, तो इसलिए आपको गुड लेंथ रखना है। और लाइन की बात की जाती है तो ऑफ में रखना है लेंथ, मतलब कि फिफ्थ या सिक्स स्टंप से आपको शुरू करना है जिससे कि बॉल पड़कर उसके अंदर आए शरीर के, और अगर वो लाइन मिस कर जाएगा तो वो LBW हो जाएगा या वो बोल्ड हो जाएगा, और अगर वो चाहेगा कि आगे बढ़ के मैं मारूं तो आगे बढ़ के मारेगा तो वो बॉल खड़ी हो जाएगी हवा में और कोई फील्डर कैच कर लेगा और उसका आपको विकेट मिल जाएगा। तो अगर आप इस टाइप से दिमाग से बॉलिंग करोगे तो आपको विकेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा क्रिएट होगी ऑफ स्पिन में। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ग्रिप करना है, किस टाइप से रिलीज करना और कौन सा बेस्ट लाइन लेंथ है ऑफ स्पिनर के लिए। आपको मैं एक और स्पेशल इंपॉर्टेंट टिप्स दे देना चाहता हूं, जो कि है कि आपको लगातार एक लाइन लेंथ पे बॉल करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप एक लाइन लेंथ पे लगातार बॉलिंग करेंगे तो आप बहुत ही महान बॉलर बन जाओगे। अगर आप लगातार एक लाइन लेंथ पे करेंगे तो उससे होता क्या कि लगातार आप 5 बॉल स्ट्रेट रखें और अगर वहीं से एक बॉल घूम जाएगी तो वो एज लग जाएगा और वो प्लेयर आउट हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक लाइन लेंथ पे डालने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आर अश्विन को देखते होंगे, नेथन लाइन को देखते होंगे, तो वो एक लाइन लेंथ पे लगातार डाल पाते हैं, और अगर आप लगातार कॉन्स्टेंट एक लाइन लेंथ पे डालना सीख जाओगे तो आप भी एक महान बॉलर बन सकते हो, एक आप महान ऑफ स्पिनर बन सकते हैं। तो गाइस, यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जरूर आंसर कर दूंगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो कि बॉलर तो उन्हें भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी ऑफ स्पिन करना सीख पाए। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।